दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। अष्टांगका महापर्व में सिद्धों की भक्ति का विशेष महत्व है। 10 मार्च से 18 मार्च तक फागुन शुक्ल की अष्टमी से पूर्णमासी तक पड़ने वाला अष्टांगका महापर्व में गुना शकल दिगंबर जैन समाज द्वारा चौधरी मोहल्ला स्थित बड़े जैन मंदिर पर और मुनि सुब्रत जिनाले पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तजन उत्साह से भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि अष्टांगका महापर्व कार्तिक मास, फागुन मास और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णमासी तक पड़ते हैं। इस बार अष्टांगका महापर्व 9 दिवसीय है, क्योंकि 9वीं तिथि दो बार पड़ी है, जबकि पखवाड़ा 16 दिन का पड़ता है, तो विशेष महत्व है। देखिए अष्टांगका महापर्व पर सिटी चैनल की खास रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 जनवरी 2005 से मध्य प्रदेश में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर नई पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके तहत कर्मचारी के सेवा निवृत्त पश्चात प्रतिमाह मात्र 800 से 1000 तक ही पेंशन प्राप्त हो रही है, जिससे बुढ़ापे में कर्मचारियों की आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है। शून्य पेंशन स्कीम में परिवार पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। कोतवाली थाना क्षेत्र से गायब किशोरी को खोजकर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में नाबालिग बालक एवं बालिकाओं के अपहरण एवं गायब होने के मामलों को संवेदनशीलता से लिया जा रहा है। इसी प्रकार के मामलों में अपहरण किशोर किशोरी को सिर्फ दस्तावेजी हेतु उनके द्वारा जिले में एक विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुना पुलिस द्वारा जिले से गायब अथवा अपहरण नाबालिग बालक बालिकाओं को एक के बाद एक दस्तायाब कर उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में CSP गुना आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में गत दिवस कोतवाली थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से अपहरण 16 वर्षीय एक किशोरी को दस्तायाब करने में सफलता प्राप्त की गई। गौरतलब है कि जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र से दिनांक 16 फरवरी 2022 की सुबह अपनी 16 वर्षीय नातिन के घर से बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट किशोरी की नानी द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2022 को कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। अभ्युदय क्लब द्वारा आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के अवसर पर किया गया फाग उत्सव का आयोजन। क्लब की सखियां फागुन के रंगों को बिखेरती हुई दिखी। सखियां द्वारा राधा कृष्ण के पात्रों का मंचन किया गया। इसी बीच क्लब की सारी सखियों ने रंगों से होली न खेलते हुए फूलों की होली खेली और एक वातावरण को संदेश दिया कि प्राकृतिक रंगों के साथ या फूलों के साथ होली खेलकर प्रकृति का सम्मान करें। इसी बीच जिस तरह मथुरा वृंदावन में लठमार होली खेली जाती है, उसी का एक रूप महिलाओं द्वारा उसको चित्रण कर दिखाया गया। आने वाले होली महोत्सव का स्वागत करते हुए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। क्लब ने अपने सदस्यों को 3 ग्रुप में विभाजित किया था, जिसमें विभिन्न तरह के प्रोग्राम आयोजित किए गए। भोजन वितरण कर मनाया जन्मदिन। जिला चिकित्सालय स्थित सेवा भारती भोजनालय पर राजेश किरार द्वारा अपने बेटे नेतिक का जन्मदिन मनाया गया। इसके साथ ही 75 रोगियों के अटेंडेंस को सेवा भारती के माध्यम से भोजन वितरण कराते हुए सहयोग राशि प्रदान की। उक्त अवसर पर राजेश किरार, उनके परिवार के सदस्यगण एवं सहयोगी अमित तिवारी, हरिओम श्रीवास्तव के अलावा सेवा भारती परिवार से अखिलेश विजयवर्गीय, अमित गोयल, मुन्ना लाल, डॉक्टर रामवीर सिंह, बुंदेल सिंह यादव उपस्थित रहे। सभी ने बालक नैतिक को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर प्रताप सिंह परिहार द्वारा गायत्री मंत्रों का जाप कर बालक का जन्मदिन मनाया गया। मैथिल ओझा समाज महिला मंडल द्वारा जज्जी बस स्टैंड पर अंकुर कार्यक्रम के तहत फलदार फूलदार छायादार पौधों का रोपण किया गया। मैथिल ओझा समाज की महिला मंडल की जिलाध्यक्ष रजनी ओझा के नेतृत्व में रविवार को सुबह 9 बजे जज्जी बस स्टैंड स्थित पार्क में अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण को हरा भरा बनाने, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, प्राणवायु स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर सभी महिलाओं ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहयोग किया। इस अवसर पर मैथिल ओझा समाज महिला मंडल की पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्णा झा, श्रीमती सरिता मथुरिया, अनुराधा ओझा, संगीता कुमारी, संजना ओझा, पिंकी ओझा, कुमारी आराध्या ओझा के अलावा अन्य महिलाएं शामिल रहीं। रजक महासमाज के पुनः प्रदेश अध्यक्ष बने लक्ष्मण भड़ेरिया। संगठन का होली मिलन समारोह 27 मार्च को मकरावदार डैम पर। गुना, रजक महासमाज मध्य प्रदेश संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से पुनः प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण भड़ेरिया को बनाया गया है। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री के नामों की घोषणा भी की गई। मीटिंग में तय हुआ कि संगठन का होली मिलन समारोह 27 मार्च को मकरावदा डैम पर रखा गया है। रजक महासमाज मध्य प्रदेश संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश रजक मातापुरा ने बताया कि आज संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक पुरानी गल्ला मंडी सिंधिया पार्क गुना पर रखी गई। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण भड़ेरिया को संगठन का पुनः प्रदेश अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। श्री भड़ेरिया का कार्यकाल 5 साल पूर्ण हो चुका था, इस कारण पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव राजकुमार रजक प्रदेश मंत्री ने बैठक में रखा। सब कुछ कचरा है और कुछ भी कचरा नहीं है कचरा। आधुनिक जीवन पद्धति का उत्पाद है कचरे से रोजगार पाएं, बर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाएं। अपने आरंभिक उद्बोधन में डॉक्टर पुष्पराग एडवोकेट ने कहा कि दुनिया में सब कुछ कचरा है और कुछ भी कचरा नहीं है। सड़क पर पड़ा गोबर कचरा है पर कंडे बना ले तो कचरा नहीं है। कूड़ा घर की पन्नी कचरा है पर पन्नी बीनने वालों को वही रोजगार है। आपके घर से निकला कबाड़ा रद्दी कचरा है पर कबाड़ी के पास वही रोटी का जरिया है। सड़ी गली सब्जी मंदिर आदि से निकली फूल माला कचरा है पर बर्मी कंपोस्ट बना लें तो कचरा नहीं है। बर्मी कंपोस्ट यूनिट में डाला गया कचरा 45 दिन बाद 40 रुपए किलो वाला उच्च क्वालिटी कंपोस्ट में बदल सकता है। इसे रोजगार के साधन के रूप में अपना कर देश की आर्थिक सामाजिक मानसिक स्थिति को संप्रत किया जा सकता है। ईटीपी में उल्लेखित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन किए जाने पर कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए ने वाहन मालिक के विरुद्ध लगाया 4,50,000 रुपए का जुर्माना। कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए द्वारा ईटीपी में उल्लेखित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के एक प्रकरण में वाहन डंपर मालिक के विरुद्ध 4,50,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। पढ़ना लिखना अभियान अंतर्गत विकासखंड गुना में संचालित साक्षरता कक्षाओं की मॉनिटरिंग। पढ़ना लिखना अभियान की मॉनिटरिंग जिला सह समन्वयक धर्मेंद्र रघुवंशी द्वारा की गई। अभियान अंतर्गत रघुवंशी द्वारा ग्राम बडेरा, मऊखान, तरावटा, खैरीखता, हस्तिनापुर एवं चकविरौली में असाक्षरों को साक्षर करने हेतु अक्षर साथियों के द्वारा साक्षरता कक्षा संचालित पाई गई। श्री रघुवंशी द्वारा अक्षर साथियों को पठन की सरल विधि से भी अवगत कराया गया। गुना में शिक्षा विभाग पर दादागिरी का आरोप। मृतक शिक्षक के एरियर का भुगतान नहीं किया गया, परिवार वालों को ताबड़तोड़ भेजे जा रहे वसूली के नोटिस, परिवार जाएगा हाई कोर्ट। जिले में शिक्षा विभाग पर दादागिरी का आरोप लगाया गया है। विभाग ने मृतक शिक्षक के परिवार वालों को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान दो बार कर दिया। इसका पता भी विभाग को तब चला जब शिक्षक के लिए उनके बाकी स्वतत्वों के भुगतान के लिए आवेदन दिया। विभाग ने स्वतत्वों के भुगतान की जगह उनकी पत्नी को ही उल्टा पत्र भेज दिया। एक बार की अनुग्रह राशि को वे विभाग को वापस करें। जब परिवार ने एरियर के भुगतान के लिए आवेदन दिया तो विभाग ने भुगतान करने की जगह फिर एक पत्र परिवार को भेज दिया और एरियर में पैसे काटे जा रहे हैं। और पिपरई गांव के रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य पूरा, रेल संरक्षा आयुक्त करेंगे निरीक्षण। भोपाल मंडल के गुनावीना रेल खंड पर और से पिपरई गांव तक दोहरीकरण का कार्य पूरा होने पर दिनांक 14 मार्च को रेल संरक्षा आयुक्त मध्यव्रत मुंबई द्वारा इस खंड का निरीक्षण एवं स्पीड ट्रायल किया जाएगा। रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अनुमति के उपरांत इस दोहरीकरण रेल लाइन पर गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा।
राम जानकी नवीन मंदिर समिति कुशवा समाज पुरानी छावनी गुना के अध्यक्ष बने कालू राम कुशवा। कुशवा समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवा के मार्गदर्शन में एक बैठक रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से मंदिर समिति का मनोनयन किया गया। आज बमरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उमरी में क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशस्वी विधायक जयवर्धन सिंह। बूढ़ेवाला जी सरकारी स्कूल के पास बुजुर्ग महिला में चार पहिया वाहन ने मारी टक्कर, पैर हुआ फ्रैक्चर, अस्पताल में उपचार है जारी। गुना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला में चार पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई। घायल अवस्था में महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों से मिली जानकारी अनुसार बूढ़ेवाला क्षेत्र के सरकारी स्कूल के बाहर तुलसाबाई पत्नी कन्हैया लाल कोरी छोले पोंगे बेचती है। तुलसाबाई अपनी दुकान के नीचे बैठी हुई थी, उसी समय ओम प्रकाश प्रजापति निवासी बूढ़े वाला जी गुना उसके वाहन को तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और तुलसाबाई के पैरों के ऊपर चढ़ा दी, जिससे उसे चोट आकर खून निकलने लगा। तुलसाबाई चिल्लाई तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और घायल अवस्था में महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में धारा 279-337 के तहत मामला दर्ज किया है। अष्टांगा महापर्व में सिद्धों की भक्ति का विशेष महत्व है। 10 मार्च से 18 मार्च तक फागुन शुक्ल की अष्टमी से पूर्णमासी तक पड़ने वाला अष्टांगा महापर्व में गुना शकल दिगंबर जैन समाज द्वारा चौधरी मोहल्ला स्थित बड़े जैन मंदिर पर और मुनि सुब्रत जिनाले पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तजन उत्साह से भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि अष्टांगा महापर्व कार्तिक मास, फागुन मास और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णमासी तक पड़ते हैं। इस बार अष्टांगा महापर्व 9 दिवसीय है, क्योंकि नौवीं तिथि दो बार पड़ी है, जबकि पखवाड़ा 16 दिन का पड़ता है, तो विशेष महत्व है। देखिए अष्टांगा महापर्व पर सिटी चैनल की खास रिपोर्ट। जैन समाज में सिद्धों की आराधना का अपना विशेष महत्व है। साल में 3 बार फागुन में, आषाढ़ में और कार्तिक में सिद्धों की आराधना के लिए अष्टांगा महापर्व का आयोजन होता है, जिसमें शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णमासी तक ये आयोजन होता है। हमारी मुनि सुब्रतनाथ जिनाले की टीम पूरे साल भर मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करती है। पिछले दिनों में हमने 30 सिद्ध चक्र महामंडल विधान किए हैं। आइए हमारी टीम के सदस्य श्रीमती कविता जैन से बात करते हैं। सिद्धों की आराधना का क्या महत्व है जीवन में? सिद्धों की आराधना से भाव भाव के दुख मिट जाते हैं। जो अपने पूर्व और पार्जित कर्म है, हम 24 घंटे कर्म बंद करते हैं और सिद्धों की आराधना से वे कर्म कट जाते हैं, नष्ट जाते हैं और उनका घात हो जाता है। और सिद्धों की आराधना का इतना विशेष महत्व है, ये अष्टानिका पर्व अनादि निधन पर्व है और इन पर्व के दिनों में अगर हम सिद्धों की आराधना करते हैं तो उसका कई गुना अधिक महत्व है। मनोज जैन भी है, आइए उनसे बात। ये मंदिर में लगातार सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहे हैं और जो होते रहते हैं, तो उनसे क्या महत्व और क्या इसमें विशुद्धि बढ़ती है? जैसा कि अभी बताया गया कि ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अतिशय पुण्य मिलता है और विशेष रूप से अष्टांगा का महापर्व में जो करते हैं उसका तो बहुत ही बहुत विशाल महत्व है इस बात का। वैसे इसको शास्त्रों में रोग नाशक विधान कहा गया है, क्योंकि मैना सती मैना सुंदरी ने अपने पति के 7 जन्मों के कुष्ठ रोग को इस विधान के माध्यम से दूर किया था, इसलिए इसका हमारे जैन आगम में, जैन शास्त्रों में बहुत ही अतिशय महत्व है। पिछले 1.5-2 साल में मुनि सुब्रत जिनाले में 30 विधान हुए हैं। बड़े जैन मंदिर पर भी इस समय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जैन आगम में जो सबसे बड़े और सबसे प्रभावी विधान है, उनमें से एक है सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसे मैना सुंदरी ने अपने पति श्रीपाल का कुष्ठ रोग हरण करने के लिए भव्य रूप से किया था, जिसका आज तक जैन आगम के इतिहास में कई किताबों में वर्णन मिलता है। सिटी चैनल के लिए हमारी पूरी टीम के साथ जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाते हुए जय जिनेन्द्र, नमोस्तु,
नमस्कार। आचार्य भवन श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से एवं निर्यापक श्रवण श्री पूरी कुंभ सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से सकल दिगंबर जैन समाज गुना के तत्वाधान में दिगंबर जैन समाज गुना की प्रबंध कारिणी समिति के द्वारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहां पर आयोजित किया जा रहा है। ये विद्यासागर परिसर है जिसका कि ये उद्घाटन कार्यक्रम है और उद्घाटन कार्यक्रम में हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान रखा है। ये प्रांगण सकल दिगंबर जैन समाज गुना के उपयोग के लिए बनाया गया है। इसमें सभी तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे और आचार्य भगवान का आशीर्वाद इस जगह के लिए हम लोगों को प्राप्त हुआ था और सकल दिगंबर जैन समाज इस कार्यक्रम को मना करके बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है। मैं चाहूँगा संपूर्ण गुना के समाज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के पूर्ण लाभ हासिल करें। दिगंबर जैन समाज की विभिन्न संस्थाएँ इस कार्यक्रम में भाग ले रही है। पार्षद महिला मंडल के द्वारा 1,00,000 रुपये की राशि के लिए यहाँ पर दी गई है। जैन युवा वर्ग और जैन युवा संगठन एवं जैन शासन ग्रुप के द्वारा भी दान राशि इस महामंडल में दी गई है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज गुना से ऐसा निवेदन करता हूँ कि सभी लोग इस कार्यक्रम में पधार कर पूर्ण लाभ अधिक से अधिक अर्जित करें। ऐसा मेरा भाव है। यह प्रोग्राम 10 मार्च से और 18 मार्च तक विधान है और 19 मार्च को महायज्ञ शांति महायज्ञ यहाँ पर संपन्न होगा। सभी लोग उसमें बना रहे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 जनवरी 2005 से मध्य प्रदेश में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर नई पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके तहत कर्मचारी के सेवा निवृत्त पश्चात प्रतिमाह मात्र 800 से 1000 तक ही पेंशन प्राप्त हो रही है, जिससे बुढ़ापे में कर्मचारियों की आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है। शून्य पेंशन स्कीम में परिवार पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। ज्ञापन देने प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर जो आंदोलन भोपाल में किया जाना था और शासन द्वारा जिस तरह से उसकी अनुमति निरस्त करके हमारे उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है, तत्काल में हमारे प्रांतीय नेताओं ने जब ये जिलों में करने का निर्णय लिया तो आज उसी के तहत गुना जिले में मध्य प्रदेश के वो लोग 3.5 लाख जिनको पेंशन नई पेंशन मिलती है उनके पुरानी पेंशन देने की मांग को लेकर आज ये आंदोलन गुना जिले में किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित हैं, महिलाएं, कर्मचारी सारे लोग उसमें आए हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे अध्यापक साथी हो, चाहे सचिव हो, और ऐसे लोग जो नई पेंशन विहीन है वो सारे लोग आज आपके सामने यहाँ यूनाइटेड हैं, सब इकट्ठा हैं। सरकार ने भोपाल में जो इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई की है उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन सरकार से आग्रह भी करते हैं जिलों के कलेक्टरों के माध्यम से जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को भेज रहे हैं कि आप हमारी इस मांग को छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार की तरह अच्छी तरह विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करते हैं कि उसे स्वीकार करके मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करें। और भोजन वितरण कर मनाया जन्मदिन। जिला चिकित्सालय स्थित सेवा भारती भोजनालय पर राजेश किरार द्वारा अपने बेटे नैतिक का जन्मदिन मनाया गया। इसके साथ ही 75 रोगियों के अटेंडेंस को सेवा भारती के माध्यम से भोजन वितरण कराते हुए सहयोग राशि प्रदान की। उक्त अवसर पर राजेश किरार, उनके परिवार के सदस्यगण एवं सहयोगी अमित तिवारी, हरिओम श्रीवास्तव के अलावा सेवा भारती परिवार से अखिलेश विजयवर्गीय, अमित गोयल, मुन्ना लाल, डॉक्टर रामवीर सिंह, बुंदेल सिंह यादव उपस्थित रहे। सभी ने बालक नैतिक को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर प्रताप सिंह परिहार द्वारा गायत्री मंत्रों का जाप कर बालक का जन्मदिन मनाया गया। सेवा भारती संस्था जो है हमारी विगत 3 वर्षों से गुना जिले में सेवा का कार्य करती है। ये जो इसका इसके 3 प्रकल्प है, भोजनालय प्रकल्प,
कैरिया कन्या छात्रावास पटल उपनिवासी अपना बालक छात्रावास पटल और सेवावासी द्वारा सेवा के क्षेत्र में तीन मटके बड़े बड़े मटके इस मटका लगा हुआ है। एक मटका अपना रेलवे रोड पर है और एक मटका जज्जी बस स्टैंड पर। उसके अलावा समय समय पर कोरोना काल में भोजन के पैकेट का वितरण जो आप प्रवासी लोग यहाँ से निकले थे हमारा जो वर्तमान में अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं वो सेवा वापसी भोजनालय प्रकल्प है। ये प्रकल्प पूर्णता जनता के माध्यम से पब्लिक के माध्यम से चलता है। इस प्रकल्प में आज नितिक का बर्थडे था तो नितिक के पेरेंट्स ने शिक्षक की साहब हम सेवा भारती में आकर जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो ये लोग आए तो नितिक का बर्थडे यहाँ पर मनाया। इन्हें भोजन के पैकेट का वितरण किया सेवा भारती सहयोग राशि प्रदान की। इसके अलावा किसी की पुण्य तिथि होती है कोई त्योहार होता है तो जो व्यक्ति जिसकी इच्छा होती है वो आता है तो सेवा भारती के माध्यम से सेवा करके मानवीय संवेदना मानवीय संवेदना जागृत करने के लिए लोगों को संदेश देने के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम है सबसे बड़ी जो चीज है वो सेवा ही है। तो इस प्रकल्प में हमारे साथ में सेवा भारती के अध्यक्ष रामजी डॉक्टर साहब हैं, अमित जी गोयल है कोषाध्यक्ष हैं। तो हम चाहते हैं कि वह मैथिल ओझा समाज महिला मंडल द्वारा जज्जी बस स्टैंड पर अंकुर कार्यक्रम के तहत फलदार फूलदार छायादार पौधों का रोपण किया गया। मैथिल ओझा समाज की महिला मंडल की जिलाध्यक्ष रजनी ओझा के नेतृत्व में रविवार को सुबह 9 बजे जज्जी बस स्टैंड स्थित पार्क में अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण को हरा भरा बनाने प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राणवायु स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर सभी महिलाओं ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहयोग किया। इस अवसर पर मैथिल ओझा समाज महिला मंडल की पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्णा झा श्रीमती सरिता मथुरिया अनुराधा ओझा संगीता कुमारी संजना ओझा पिंकी ओझा कुमारी आराध्या ओझा के अलावा अन्य महिलाएं शामिल रहीं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा जो चलाया जा रहा है अंकुर कार्यक्रम उसी के तहत मैथिल ओझा समाज की महिलाओं द्वारा यह वृक्षारोपण लगाने का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। वृक्षारोपण करने से पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए प्राणवायु को शुद्ध करने के लिए प्रकृति में जो असंतुलन है उसको संतुलन में लाने के लिए ये एक जन जन के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसी के लिए हम लोगों ने मैथिल ओझा समाज की महिलाओं ने यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा है और काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में सभी लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किए हैं। सभी टाइप के वृक्ष लगाए हुए हैं हमने यहाँ पर फूलों वाले फल वाले और सो प्लांट सभी तरह के यहाँ पर लगाए हुए हैं और यहाँ पर प्रॉपर पानी की व्यवस्था भी है तो पानी की भी डलता रहेगा उसकी भी हमने ये सुनिश्चित कर लिया था। यह सोच कर ही ये गार्डन हमने यहाँ पर सुनिश्चित किया यहाँ पर लगाने के लिए टाइप के पौधे लगाए हुए हम लोगों ने जामुन लगाया है जामफल लगाया है सो प्लांट भी लगाए हैं नींबू का भी लगाया है सीताफल भी लगाए हैं छायादार हाँ छायादार बड़े बड़े पौधे भी लगाए हैं छोटे भी लगाए हैं। प्राणवायु जो ऑक्सीजन है उसको शुद्ध करने के लिए वृक्ष बहुत ज़रूरी है जीवन में इसलिए सभी ने मतलब सभी टाइप के पौधों का चयन किया है सभी टाइप के पौधे हम लोगों ने। नाम रजनी ओझा है मैं मैथिल ओझा समाज महिला मंडल अध्यक्ष हूँ। राम जानकी नवीन मंदिर समिति कुशवा समाज पुरानी छावनी गुना के अध्यक्ष बने कालू राम कुशवा कुशवा समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवा के मार्गदर्शन में एक बैठक रखी गई जिसमें सर्वसम्मति से मंदिर समिति का मनोनयन किया गया। आज जो मीटिंग हुई राम जानकी मंदिर पर किस संबंध में आज बड़े हर्ष का विषय है कि श्री राम जानकी नवीन मंदिर समिति कुशवा समाज पुरानी छावनी गुना पर एक मीटिंग पूर्व सूचना के अनुसार रखी गई थी जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय स्वर्गीय श्री नारायण सिंह जी कुशवा जो हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष थे उनके स्वर्गवासी होने पर अध्यक्ष पद के लिए आज हम
चयन करने के लिए एकत्रित हुए थे, जिसमें सर्वसम्मति से श्री राम जानकी नवीन मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर आदरणीय भाई साहब श्री कालू राम जी कुशवाहा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, और साथ में ही महासचिव पद पर श्री लक्ष्मीनारायण जी कुशवाहा, उपाध्यक्ष श्री चंदन कुशवाहा, कोषाध्यक्ष श्री अर्जुन कुशवाहा, सचिव पद पर श्री राजन सिंह जी कुशवाहा, संगठन मंत्री श्री सुरेश कुशवाहा बगला, मीडिया प्रभारी श्री नरेंद्र जी कुशवाहा नाना खड़ी, कार्यकारी अध्यक्ष पद पर श्री राजाराम जी कुशवाहा बैंक वाले, संरक्षक मंडल में आदरणीय चाचाजी श्री मोतीलाल जी कुशवाहा और आदरणीय भाई साहब श्री हरगोविंद जी कुशवाहा, प्रीतम सिंह जी कुशवाहा और बंसीलाल जी कुशवाहा, पार्टी साहब प्रेमनारायण जी कुशवाहा, प्रचार मंत्री में श्री नवल किशोर जी कुशवाहा, इन सबको सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया है, और मैं आशा करता हूँ कि एक ही मंत्र है हमारा, सबका मान सम्मान सबका साथ। अभ्युदय क्लब द्वारा आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के अवसर पर किया गया फाग उत्सव का आयोजन। क्लब की सखियां फागुन के रंगों को बिखेरती हुई दिखी। सखियां द्वारा राधा कृष्ण के पात्रों का मंचन किया गया। इसी बीच क्लब की सारी सखियों ने रंगों से होली न खेलते हुए फूलों की होली खेली और एक वातावरण को संदेश दिया कि प्राकृतिक रंगों के साथ या फूलों के साथ होली खेलकर प्रकृति का सम्मान करें। इसी बीच जिस तरह मथुरा वृंदावन में लठमार होली खेली जाती है उसी का एक रूप महिलाओं द्वारा उसको चित्रण कर दिखाया गया। आने वाले होली महोत्सव का स्वागत करते हुए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। क्लब ने अपने सदस्यों को 3 ग्रुप में विभाजित किया था, जिसमें विभिन्न तरह के प्रोग्राम आयोजित किए गए। Thank you.
प्रोग्राम हम लोगों ने किया है और इसमें सभी मेंबर्स ने, अभ्योदय क्लब के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है और हम सब लोग एक होली का फागोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेनू राठी है। इसमें इस प्रोग्राम कितनी टीमों ने भाग लिया था? इसमें तीन टीम्स थी, रासलीला टीम, फूलों की होली टीम और लट्ठमार होली टीम।